धन्यवाद शॉर्ट नोटिस पे आप सब आए। राजनीतिक हलचल पिछले 12 घंटों में बहुत तेज हुई है प्रदेश की, और राजनीतिक सरगर्मियों को देखते हुए जिस तरीके से 3 MLA ने नायब सैनी जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए, और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी महामहिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा, क्योंकि 3 विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है, राज्यपाल भी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने की डायरेक्शन दे, क्योंकि आज 2 विधायकों ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया है। 88 MLA आज हरियाणा विधानसभा के, 3 गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके, 2 वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास उनके समर्थन में, 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देते हैं कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर। मैं तो आज यही मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देने का काम कर। मैं कल मुख्यमंत्री का बयान किसी चैनल पे देख रहा था जहां वो हंस हंस कर ये कह रहे थे कि ये आज वहां कुछ लेने गए हैं, यहाँ कुछ लेके 4.5 साल बैठे थे, इसके बारे में भी वो बताने का काम। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम जब तक सरकार के साथ कभी इस तरह के हालात नहीं मिले जहाँ मनोहर लाल जी और मुझे इस तरह की कोई घटनाक्रम देखने को मिली हो कि किसी ने समर्थन विड्रॉ किया, आज उन लोगों का कांग्रेस के साथ जाना ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कमजोर हुई है। जो 11 कमल खिलाने की बात करते हैं वो आज कितने कमजोर है। और वही दूसरी ओर पर नेता विपक्ष ने कल तीनों को समर्थन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आज जो गणित बनता है उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगी। जब तक विप की ताकत है और जब तक नंबर्स हमारे पास है, वोट तो सबको विप के आदेश अनुसार करना पड़ेगा, और इसका विवरण तो आपने मेरे ख्याल से जब इस सरकार का गठन हुआ था उस दिन देख लिया। तो उस दिन भी हम तो पूरी तौर पर स्पष्ट है कि सरकार को घेरने के कदम, लेकिन खुले तौर पर वो कार्यक्रमों में जा रहे हैं, 2 ग्राम से ऑलरेडी नोटिस इशू किया गया है, प्रोसीजर है विधानसभा का जिसके अंदर नोटिस इशू कर पहले जवाब मांगा जाता है, अगर जवाब ना दिया जाए तो फिर स्पीकर को लिखित में उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए, कदम उठाने के लिए कहा जा सकता है। 3 विधायकों को इशू किया गया है और तीनों ने अभी तक कोई रिटर्न रिप्लाई नहीं किया। उनके विजुअल्स भी हैं, उनकी पिक्चर्स भी हैं, उनके पोस्टर्स भी हैं, और जो उचित कार्रवाई जननायक जनता पार्टी ने करनी है आने वाले दिनों में बिफोर पोलिंग हम अपनी ओर से करेंगे। ऐसा कोई ऐसा है नहीं, कोई डिटेक्शन हो सकता है, अगर कोई इस्तीफा देता है
तो उसके ऊपर है, पार्टी विरोधी गतिविधि का रिकॉर्ड आज हमारे पास, और पार्टी विरोधी गतिविधि के अंदर जिसने भाग लिया है उसके विरुद्ध एक कानून है, और उस कानून के तहत हम जल्दी स्पीकर को भी मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई। कौन कौन से आएंगे? आप वो हम पे छोड़ दो। बीजेपी ये कह रही है कि शायद बीजेपी का कल्चर है वो प्रोसेस में ही आपको लगता है छह महीने निकालते, इसके अंदर प्रोसेस में हमारे पास हाईकोर्ट का भी रास्ता है, और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने निरंतर डायरेक्शन दिए हैं, चाहे हिमाचल का केस हो चाहे महाराष्ट्र का केस हो, कि टाइम बाउंड मैनर के अंदर लेजिस्लेटिव बिजनेस को पूरा करने के कार्य को विधानसभा को करना। बीजेपी कह रही था कि मार्च में अभी पास प्रस्ताव लाए थे, गिर गया था, तो 6 महीने में आ गया। अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के विरुद्ध था, नई सरकार बनी वो अविश्वास प्रस्ताव उस सरकार के साथ साथ ही समाप्त हुआ, नई सरकार आज के दिन गठित हुई है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया। उस दिन एक रैली जननायक जनता पार्टी की थी, हमने समर्थन किसी का नहीं किया। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह देता हूँ कि अगर अब फ्लोर टेस्ट होगा तो हमारे प्रत्येक विधायक पार्टी के आदेश पर विप के साथ सरकार को घेरने के लिए वोट। आप लोग साथ बीजेपी ने फेलियर है, मैं तो एक दिन नहीं बारी बारी कहता हूँ, जब नया मुख्यमंत्री पहली कैबिनेट के बाद कहता है कि 94 दिन का प्लान बना है, तो इसका मतलब तो उनने पहले मन बना रखा है कि वो 94 दिन के मुख्यमंत्री, और ये तो ऑन रिकॉर्ड है चंडीगढ़ की किसी आपके बीट के साथी से निकाल लीजिए कि फर्स्ट फुल कैबिनेट मीटिंग के बाद आकर नए मुख्यमंत्री का बयान था कि हम तो 94 दिन का प्लान लेकर आए, और उस दिन ये साबित हो गया था कि कितने कमजोर शासक वो रहेंगे और कितने कमजोर नेतृत्व के साथ प्रदेश चले। और आज भी मैं आपको बता सकता हूं कि निरंतर फील्ड का दौरा हम कर रहे हैं, मंडियों में जिस तरीके से आज के दिन गेहूं पड़ा है, सरसों पड़ा है, 22 दिन से ऊपर हो गए जहां सरसों की पेमेंट नहीं हुई, 17 दिन से ऊपर हो गए जहां गेहूं की पेमेंट नहीं हुई, ये दिखाता है कि किसान विरोध में कितना इनने काम किया है, कमजोर करने का जो प्रयास किया है, और मॉनिटरिंग का फेलियर। सिस्टम तो ऑटोमेटेड हमने बनाया था, 4 साल क्यों नहीं दिक्कत आई जब पेमेंट 48 घंटे में दी गई, 4 साल क्यों नहीं दिक्कत आई कि उठान टाइम बाउंड मैनर में किया गया। आज भी उचाणा में 10 लाख बैग्स गेहूं के पड़े हैं, तो ये फेलियर दिखता है कि मॉनिटरिंग नहीं है, और मॉनिटरिंग ना होने की वजह से इस तरह की दिक्कत फार्मर्स। कल की घटनाक्रम से लोकसभा चुनाव पे कितना असर देखते हैं? बहुत असर है, और जनता का मूड भी बदला है, और मैं तो फिर दोबारा कहूंगा कि जो गर्मी में पारी है चाबी की बारी है, और जिस तरीके से श्रीमती नैना चौटाला जी के नामांकन में हिसार की जनता ने जोश दिखाया है, ये दिखाता है कि हिसार दोबारा हरियाणा की आवाज को चुनेगा और हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में जगह देगा, और इस राष्ट्रीय सोच को जो बारी बारी लाया जाता है, जो हरियाणा की आवाज को दबा देती है, गूंगे बहरे सांसद पार्लियामेंट में भेजती है, कहीं ना कहीं उनको जवाब देने का समय। नायब सिंह सैनी ने इस्तीफा में कहा कि सरकार अलगमत में बेशक है लेकिन कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं। चलो मुख्यमंत्री ये तो मान गए कि आज वो कमजोर हो चुके, और ये कमजोरी मानने वाला मुख्यमंत्री मुझे लगता है नैतिक आधार पर प्रदेश का नेतृत्व करने लायक नहीं। कल बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे मोदी साहब आएंगे तो लहर आएंगे, 400 की बात करते थे, पिछले 12-13 दिनों से तो छोड़ गए, तो लहर कहाँ गई? आज तो मंगलसूत्र की बात होती, और वो दोनों लोग मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं जिनके शायद घर में भी सदस्य ना हो तो मंगलसूत्र पहनता। तो अभी जो सरकार की क्राइसिस मैं आपके माध्यम से कहता हूँ ना, मुझे बात करने की जरूरत, अगर करंट रेजिम को मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ी तो जननायक जनता पार्टी विप भी जारी करेगी और करंट गवर्नमेंट के विरोध में विप को जारी। कांग्रेस के साथ भी जा सकती है? मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है आज के दिन, ना कांग्रेस के साथ जाने की जरूरत ना बीजेपी के साथ जाने की,
मगर करंट सरकार को घेरने के लिए अगर समर्थन विपक्ष के अंदर एकता होगी और करना पड़ा तो हम करेंगे। लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि दूसरे चलो आधे इधर है आधे उधर है, जिस दिन विप होगा 10 के 10 लाइन में खड़े दिखाऊंगा। और ये चीज तो विप की ताकत को शायद प्रेस के साथियों ने बड़े अच्छे तरीके से 13 तारीख को विधानसभा में देखा कि जैसे ही चर्चा शुरू हुई तो जेलर का आदेश आया और जेलर के आदेश में 5 के 5 बाहर थे, नहीं थे तो बताओ। और पूरी वोटिंग तक पार्टी के आदेश को फॉलो किया। अगर आप पार्टी के सिंबल पर जीते हो तो पार्टी के आदेश का नेतृत्व आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आपको पार्टी छोड़नी है तो आप इस्तीफा दे सकते हैं, इस्तीफा देकर विधायक पद से इस्तीफा दीजिए और अपनी पार्टी की अपनी जो नई सोच की गतिविधि जनता देखती है कौन किसके मत पे जीता और कौन किसके मत से चला और आज वो कई और अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, जनता उन लोगों को समझती है। मेरा तो इतना बोलना जरूरी है कि जब तक इस विधानसभा का टेन्योर है अक्टूबर 28 तक हरियाणा प्रदेश में अगर कोई विधायक जननायक जनता पार्टी के